हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एबीपी न्यूज ने कल सुबह आपको ये खबर दिखाई थी कि कैसे बिहार के जहानाबाद में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के पीए पिंटू यादव ने मछली पार्टी की, जिसमें सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते हुए 100 से ज्यादा लोग वहां जमा हुए। अब इस खबर का असर हुआ है। कल प्रमुखता से एबीपी न्यूज ने सुबह के वक्त ये खबर दिखाई थी। मछली पार्टी करने के आरोप में मंत्री के पीए पिंटू यादव, एसडीपीओ प्रशांत भूषण, मखदुमपुर के सीओ राजीव रंजन, बीडीओ अनिल मिस्त्री समेत 25 से 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। प्रकाश कुमार एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर है ये? बिल्कुल, इस पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आदेश दिए थे कि इसकी जांच की जाए, और जांच के बाद जब ये सही पाया गया एबीपी न्यूज की खबर को भी, तो उसके बाद उन पर एफआईआर देर रात की गई है। और एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें आपदा भी एक है, आपदा एक् ट के तहत भी उन के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। और ये कहना है सरकार का कि जिस तरह से सरकार के अधिकारी ही लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और खाना पीना पार्टी मना रहे थे, तो ऐसे में बाकी लोगों के खिलाफ में कैसे कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि इतने बड़े अफसर जो जिले के हैं, एसडीपीओ, सीओ, बीडीओ, इन लोगों के खिलाफ में एफआईआर किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो ये सख्ती दिखाना जरूरी भी था ताकि सभी अधिकारियों मंत्रियों के बीच ये निर्देश जाए कि देखिए अगर आपने कानून तोड़ा तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप पर होगी। एक नजीर पेश करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है 25 से 30 लोगों पर। एबीपी न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। प्रकाश कुमार एबीपी न्यूज संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर जहानाबाद में हुआ क्या था जिस खबर का अब असर हुआ है। पहली तस्वीर बिहार के जहानाबाद का वो घर है जहां लॉकडाउन में मछली पार्टी के आयोजन का दावा है। दूसरी तस्वीर पिंटू यादव की, जिसके बारे में दावा है कि ये बिहार के शिक्षा मंत्री का स्टाफ है और इसी ने लॉकडाउन में मछली पार्टी दी। तीसरी तस्वीर में जहानाबाद जिले के डीएसपी प्रभात भूषण श्रीवास्तव है, जिस पर इस पार्टी में शामिल होने का आरोप लगा है। अब आपको दिखाते हैं बिहार के जहानाबाद में हुई मछली पार्टी के कथित सबूत। सबूत नंबर एक, जली हुई राख। दावा है कि पार्टी के बाद सबूत मिटाने के लिए पत्तलों को जलाया गया। सबूत नंबर दो, कूड़े में फेंके गए पत्तल और ग्लास। सबूत नंबर तीन, धुली गोल मेज जिस पर खाना परोसे जाने का आरोप है। ये वो तीन तस्वीरें हैं जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि बिहार के जहानाबाद में लॉकडाउन तोड़कर भीड़ इकट्ठा की गई, मछली पार्टी के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसमें कई अधिकारी और गांव के लोग शामिल हुए। करीब 100 लोगों के इस पार्टी में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि मछली बनाने के लिए बकायदा रसोईया बुलवाया गया था। पार्टी में फोटो या वीडियो लेने पर रोक थी। अब आपको सुनाते हैं आरोपी पिंटू यादव के पड़ोसी को कि इन्होंने उस दिन क्या देखा। किनका घर है बगल में? बगल में हमारे घुटते हैं पिंटू चाचा। अच्छा, तो क्या चीज है ये? ये कुछ नहीं, ऐसे ही है। क्या काम मतलब करते हैं? मंत्री जी के साथ रहते हैं। कौन मंत्री? श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा। अच्छा, उन्हीं के साथ रहते हैं। हाँ। तो नया घर बनाया है। हाँ। अच्छा, तो परसों एसडीपीओ वगैरह भी आए थे? गाड़ी आया था, लेकिन हाँ गाड़ी आया था। एबीपी न्यूज ने बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा के स्टाफ पिंटू यादव से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ये मीडिया से बात करने से बचते रहे। सब एक आदमी कौन? खाली वो दोनों के बीच में झगड़ा है, शीशा के लपेट रहा है। मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। जहानाबाद के एसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। एबीपी न्यूज ने इस बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णानंदन वर्मा से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे जो जानकारी मिली है कि प्रखंड के अधिकारी लोग, जिले के कुछ पदाधिकारी लोग, ये सब पूरे जिले में घूम घूम के वो राहत पैकेट का वितरण कर रहे हैं। तो मेरे गांव में भी गए थे और वहां भी लोगों ने राहत पैकेट का वितरण किया और काफ़ी देर तक वहां रुके भी,
तो लोगों ने कहा कि भाई आप लोग इतना हमारे गांव के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग भी आपको चाहते हैं कि कुछ हमारे यहाँ से क्या करते हैं देहात में कि मुँह जुठा करके जाइए, कुछ खिलाने का प्रस्ताव दिया उन्होंने, तो इसकी जानकारी हमको हुई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया कि नहीं ये तो जांच का विषय है, और जब जांच होगी तो बात सामने आ जाएगी।